अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद जान मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइफ टीवी। आपकी खिदमत में आज मैं लेकर आया हूं माय फेवरेट टॉप 10। माय फेवरेट टॉप 10 में छठे नंबर पर मेरे पास है आलमी जासूस। आलमी जासूस जी अगेन प्रोड्यूस्ड बाय सतीश आनंद साहब एवरेडी पिक्चर्स, और बड़ा एक ताल्लुक़ बन गया था एवरेडी का जान साहब के साथ, और जान साहब भी एवरेडी के बगैर कोई फिल्म नहीं किया करते थे, और बल्कि उनका ये जितना स्पैन है उनकी जो कंटिन्यूसली 10 सुपरहिट फिल्में हैं उनमें से 9 जो हैं वो एवरेडी की फिल्में हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था अमजद बॉबी साहब ने, अगेन सतीश साहब की फरमाइश पर, क्योंकि सतीश साहब बड़े मेलोडियस आदमी हैं और मीठा म्यूज़िक पसंद करते हैं, और अमजद बॉबी साहब ने बहुत खूबसूरत म्यूज़िक दिया था इस फिल्म का। नगमात थे सईद गिलानी साहब के, और इस फिल्म की कास्ट भी एक बड़ी कास्ट थी। और उस ज़माने में बड़ा एक ट्रेंड था कि जी टाइटल रोल कौन कर रहा है, तो इस फिल्म के टाइटल रोल में बेसिकली जितने भी एक्टर्स इस फिल्म में थे वो सब कहते थे कि जी हम इसका टाइटल रोल कर रहे हैं। बेसिकली टाइटल रोल था इसमें इजहार काजी साहब का, जो जासूस बने थे, और अपार्टली थोड़ा गुलाम मोहिद्दीन साहब का भी, लेकिन जो है वो बाकी जो भी कास्ट में लोग थे वो भी कहते थे कि जी टाइटल रोल हम ही कर रहे हैं। तो इस फिल्म की कास्ट में थे इजहार काजी साहब, जान साहब के फेवरेट, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, गुलाम मोहिद्दीन साहब, अजब गुल, कविता, मुनिज़ा शेख, आबिद अली, आसिफ ख़ान, असलम लाटर, हुमायूं कुरैशी। और ये बड़ी कुछ साइंस फिक्शन टाइप फिल्म भी थी, जो हम आज सुनते हैं कि जी ये बॉम्बिंग हो रही है और मिसाइल्स हैं और स्कैम के, तो उस फिल्म में उस दौर में वो चीज़ें सारी दिखाई गई थी। ये फिल्म थोड़ी कुछ जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्म थी, और इसका जो जॉनरा था वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई जेम्स बॉन्ड मूवी देख रहे हैं। और इसके जो क्लाइमेक्स था वो बड़ा साइंस फिक्शन था, उस ज़माने में तो लोग सोचते भी नहीं थे कि कोई पासवर्ड हुआ करेंगे और जो है वो कंप्यूटर में इस तरह डालेंगे तो कोई मिसाइल लॉन्च होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। तो इस फिल्म में सारी वो चीज़ें दिखाई गई थी, तो आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म की शूटिंग कराची, बैंकॉक, श्रीलंका, इस्लामाबाद में की गई थी, और इस फिल्म में बड़ा एक्शन स्टंट्स और गिमिक्स बहुत थे इस फिल्म के अंदर, जो वही जो जैसे जेम्स बॉन्ड के गैजेट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें इजहार काजी साहब जो जासूस बने थे उनके गैजेट्स वगैरह सारे दिखाए गए थे। और उसके अलावा अगेन जो इस फिल्म का सबसे टर्निंग पॉइंट था वो जान साहब की जो नात होती थी फिल्म के एंड में, या हमद होती थी, कोई सूफियाना कलाम होता था जिसके बाद कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती थी। इस फिल्म में भी ऐसा ही था कि एंड में बिल्कुल जो है वो एक नात आती है और फिल्म का जो है एकदम सिनेरियो चेंज हो जाता है और एक्शन शुरू हो जाता है।